क्या सिर्फ साल भर में दिवाली के बाद छठ पूजा के लिए ही यमुना को साफ किया जाएगा? क्या सिर्फ पूरे साल में जो दिशा निर्देश हैं वो सिर्फ छठ पूजा और छठ घाट को लेकर ही दिए जाएंगे, क्योंकि बाकी पूरे साल तो यमुना की स्थिति कुछ हाल से बेहाल ही रहती है। अब जब ऐसा त्यौहार है जब यमुना में लोग आएंगे, घाट के आसपास आएंगे, यमुना नदी में आएंगे, यहाँ डुबकी लगाएंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, तो उस वक्त जब ज़्यादातर लोगों का फोकस यमुना पे होता है उसको लेकर, तो तैयारी सरकारों की तरफ से जोर शोर से कर ली जाती है। लेकिन उसके परे क्या, उसके परे ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, साल भर तस्वीर कुछ महीने बाद हर कुछ दिन में कुछ ऐसी ही यमुना की दिखाई देती है। ख़ास तौर से इस मौसम में, इन दिनों में आप देखिए कि यमुना ये लग ही नहीं रही है, ये लग ही नहीं रहा है कि यमुना नदी का ये उखला बैराज जहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ से साफ पानी आना चाहिए और यही पानी जिसको दिल्ली वाले इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल आप देखिए कि चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद झाग नज़र आ रहे हैं और ये झाग वो जहरीले झाग हैं जो कि केमिकल्स हैं बुरी तरह से, जिसकी स्मेल जो है वो इस वक्त यहाँ पर खड़े होना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा है, पानी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ झाग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, या फिर दूर उस तरफ अगर देखा जाए तो दूर यमुना ओखला बैराज में कालिंदी कुंज बैराज के पास सिर्फ कूड़ा नज़र आ रहा है। तो सोचिए दिल्ली में यमुना का क्या हाल इस वक्त और क्या स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। एक तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ये जल प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण। ये वो यमुना जिसको लेकर दिल्ली वाले पानी के लिए पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते दिनों यहाँ पर एक जाली जो है वो लगाई गई थी, जिससे कुछ हद तक जो झाग है वो आगे जाने से रोका जा सके, फिर उसको यहाँ पर झाग को केमिकल के ज़रिए केमिकल डालकर उसको कम किया जाए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो जाली लगी थी वो भी कुछ ख़ास काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगे जो जाली लगाई गई थी वो तो बिल्कुल ही हटी हुई है, लेकिन जो आगे जाली है इस तरफ है उसका कोई ख़ास काम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इतने दिशा निर्देश, सियासत, डुबकी, सब कुछ के बावजूद भी क्यों यमुना का जो प्रदूषण है वो कम नहीं हो रहा है, क्यों इसके ऊपर कोई सख्त कदम जो है वो उठाए नहीं जा रहे हैं। आप देखिए ज़रा झाग का अंबार जो है अलग अलग जगह नज़र आ रहा है। अब क्योंकि छठ नज़दीक है और छठ को लेकर ही यहाँ पर दिशा निर्देश जो हैं वो सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, इसको लेकर यमुना में जो यहाँ पर झाग है उसको कम करने के लिए स्प्रे करा जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। किस चीज़ का छिड़काव है और आखिर कैसे हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो प्लांट है वो यमुना किनारे लगा दिया गया है और यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस यमुना में जो जहरीला झाग है उस पर छिड़काव किया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा प्लांट है, इसमें यहाँ जो केमिकल्स हैं, डिफोमर स्टॉक है वो रखा हुआ है और डिफोमर स्टॉक जो है उससे इस फोम को कम करा जा रहा है, उससे छिड़काव किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो जानकारी हमें मिली है उस हिसाब से बोट में बैठ के भी दिन में कई बार जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं प्लांट में वो जाते हैं यमुना के बीचों बीच जो झाग है उसको जो है कम करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जितने भी प्रयास हैं वो कुछ अभी तक खास सफल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ यमुना की गंदगी, यमुना में झाग, ये जहरीला झाग, और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक बदबू के जहाँ हम इतनी दूरी पर खड़े हैं वहाँ खड़ा होना मुश्किल सा इस वक्त हो रहा है, जो कि सिर्फ हम आपको बता के समझा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हम खुद यहाँ खड़े हैं, हम जानते हैं कितना मुश्किल यहाँ खड़ा होना हो है, क्योंकि इस गंदगी की, इस टॉक्सिक की जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ छठ के नज़दीक ही यमुना को साफ करने के दिशा निर्देश और प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे? अगर सिर्फ ऐसा है तो जो यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं वो भी फ़िलहाल साफ कोई जो इम्पैक्ट है वो डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।